हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्चुअली कुछ बीफ चल रही है हिप हॉप इंडस्ट्री में, सो उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है, काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। सो अब काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल रही नहीं है, सो एक वीडियो जो मुझे मिली है नियॉन मैन की, सो उसे मैं देख रहा था। सो आई थॉट कि वाई नॉट वॉच इट टुगेदर, आप लोग को भी समझेगा कि व्हाट इज दिस थिंग, साथ में देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या सीन चल रहा है पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में। डिवाइन और ये एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, एमिवे ने जो लास्ट दो गाने डाले थे वो काफी कंट्रोवर्शियल थे। हाँ ये पता है मुझे, तो एल्बम डाला था अभी मैंने टीम से पूछा तो 80 मिलियन स्ट्रीम। हाँ इसने मतलब नंबर्स के बारे में बात किया, अच्छा ठीक है, मतलब बंटाई ने जो बोला था कि यूट्यूब में मचा रहे हैं 30 प्लस ये वो, उसके बारे में आई थी जो है यूट्यूब पे नहीं खाली स्ट्रीम्स में, क्योंकि स्ट्रीम्स में ही असली मालूम पड़ता है। बट यार दिस इज नॉट ट्रू ना यार, स्ट्रीम्स और यूट्यूब मतलब इट्स लाइक कि हाँ ठीक है यूट्यूब में इजी है, लेकिन स्ट्रीम्स में भी इजी है, कहाँ मुश्किल है। स्ट्रीम्स में भी तो आ सकता है वो चीज जो यूट्यूब पे कर रहे हो, एक ही चीज है ना भाई, स्ट्रीम्स में भी कोई भी मचा सकता है। म्यूजिशियन अलग है और यूट्यूबर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस बात है। म्यूजिशियन यूट्यूबर अलग है, तो मैं बोला कि एक फुल लेंथ उम्र 30 प्लस है वो रिवाइन को लेकर के था, राइट ठीक है। डिवाइन और बंटाई का पता नहीं क्या सीन है यार, पहले से ही यूट्यूब पे अकेले हम शॉट दे रहे सबको ये तंबाकू ना भी है, ऐसा नहीं है यार, देखो स्ट्रीम्स में आ रहे हैं, यूट्यूब में भी आ रहे हैं, एक ही चीज है यार, क्या बात है। तू अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, क्यों झगड़ा ही क्यों करना है। रातों रात कालो कान खबर नहीं, गाने बना शाने तुझे फैंस की कोई कदर, मुझे भी लगा नहीं, एकदम स्ट्रेट डिस नहीं बोल सकते ये, इनडायरेक्टली तो था, कंट्रोवर्सी तो थी, ऐसी था ऐसे छोटा टाइम पास। अरे पब्लिक में बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब एक एक गाने निकलेंगे लेकिन यार कुछ भी बोलो, ऐसे जब बीफ होती है ना तो मजा तो आता है, जब एक दूसरे को यू नो एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज या रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हमको मजा आता है, मसाला मिलता है, हमारा चैनल भी इसी से तो चलने वाला है, यू नो नियॉन का भी चल रहा है। आजकल मतलब छोटा मोटा डिस समझ लो, छोटा मोटा डिस में भी इसको बोल सकते हैं डिस, छोटा मोटा डिस ऐसी टाइम पास चालू है, टाइम पास। मेरे जितने भी गाने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सब मेरी कंपनी जो करती है, लाइक मेरी टीम जो करवाती है शेयर करती है, एवरीथिंग गोज, एंड वो स्पॉटिफाई पे नहीं आता, बाकी हर जगह पे आता है। अच्छा ऐसा क्यों है, मेरा गाना स्पॉटिफाई पे क्यों नहीं आता, बाकी सारी जगह पे आती है, बट स्पॉटिफाई पे मेरे पुराने कुछ गाने दो तीन पड़े हुए हैं, एंड कुछ तो पब्लिक ने ऐसी ऑटोमेटिक अपलोड मार के रखा है, वो भी क्लेम मार के टीम उतरवाने वाली है बहुत जल्द। अच्छा बट स्पॉटिफाई से क्या दिक्कत है, बट लेकिन अभी से ये गाना जो है हार्ड मैंने स्पॉटिफाई पे टीम को बोल के चढ़वाया है। अच्छा बिकॉज मेरी जो टीम जो कंपनी जो काम करती है विद डिस्ट्रीब्यूशन सीन में, वो लोग का स्पॉटिफाई का लिंक ज्यादा शॉर्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दे नहीं डालते हैं स्पॉटिफाई में, बट यस मैं दूसरा जरिए से डलवा रहा हूँ, बट यस अभी से मेरे सारे गाने स्पॉटिफाई पे धीरे धीरे चढ़ेंगे, बट उसके बावजूद स्पॉटिफाई पे नहीं रहने के बावजूद भी अपना गाना इतना मचा रहा है, लाइक मैंने बस गाने में ये बताया मचाएंगे अकेला 110 मिलियन स्ट्रीम पे। अच्छा मचाएंगे की बात करूँ मैं, सिर्फ एक गाने की बात मचाएंगे, सुनो सिर्फ एक गाना मचाएंगे इस 110 मिलियन प्लस स्ट्रीम ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। YouTube तो सही है ना भाई अपनी जगह पे में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, YouTube में तो देख रहा है, साइड में रख देते और लेकिन फिर भी यार वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि यार डिवाइन ने जो कहा मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा, कि हाँ बोल रहा है कि हम स्ट्रीम में चल रहे हैं, फिर बंटाई बोलता है कि हम यूट्यूब में अच्छा चल रहे हैं, और फिर वो भी ये वाला पॉइंट भी है कि स्ट्रीम में भी हम चल रहे हैं। यार दिस इज नॉट अबाउट इट, मसाला दे रहे हो कंटेंट दे रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूट्यूब और स्ट्रीम्स दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों में भी ग्रो करना उतना ही आसान है, दोनों में ही ग्रो करना उतना ही मुश्किल है। सो दोनों का अपना अपना सेम वैलिड रीजन है दोनों का, बट कंटेंट पर काम करो ना यार, हमें डिवाइन भी पसंद है, हमें एमिवे भी पसंद है, एमिवे के भी गाने अच्छे होते हैं, एमिवे एक्सपेरिमेंट कर रहा है हर बार कुछ ना कुछ नया ला रहा है, और डिवाइन इज क्लासिक भाई, डिवाइन को तो कोई पीट ही नहीं कर सकता, दैट्स व्हाट आई फील, मुझे तो पसंद है यार दोनों। क्या सीन है अभी देखते हैं आगे क्या हुआ, कृष्णा का क्या सीन है, कृष्णा का सुनना है मुझे, पता है भाई 6 गाने मेरे को डेडिकेट किया तुमने, 6 गाने, ऐसा भी हुआ है 6 गाने मेरे लिए बनाए ब्रो, मेरी वजह से तुम्हारी दुकान चल रही है आज के डेट, ये ईगो दिखानी है ना भाई, मैं भी दिखा सकता हूँ, दैट्स द फकिंग ट्रूथ ब्रो, 6 सॉन्ग आई विल मेक यू काउंट द सॉन्ग ब्रो, 6 गाने से तुम सबलिमिनल डाल रहे हो और फिर चिल्लर पार्टी बोल रहे हो ब्रो, तुम्हारी दुकान चल रही है वो मेरी वजह से चल रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो,
और अगर नहीं, अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता ना, पता नहीं भाई अपने को, तो कुछ नहीं होता, तो कोई कुछ बोलता नहीं ट्रैक पे। क्या सीन है यार, अगर किसी को पूरी स्टोरी पता है ना इनका, कृष्णा का और इनका क्या क्या सीन है यार, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी चीजें। सो गाइस, पूरी बैक स्टोरी जानने के बाद अब कृष्णा की ये वीडियो देखते हैं जो एमवीए के ऊपर है, टोक्यो ड्रिफ्ट जो भी है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे है, IGTV वीडियो। बात तो मैंने कभी करी है ज्यादा नहीं, करे मुझे डिस तू करी है चाहता नहीं, सुनी तेरी बातें पर वादे ने बात नहीं आया, जब से मैं गेम में कहीं भी जाता नहीं, परिवार वाले बोले मुझे कर तू जो करना है, क्योंकि पता बेटे का कलम ना कभी हल्का है, रैप के नाम पे चकमा दे के तू चलता है, तुझसे अच्छा फ्लो करे घर का जो नलका है, ओ ओ क्रिसमस बैक टू नो गुड नेक्स्ट करे टेक्स टू टिक। ये तो फुल ऑन डिस है एमवीए पे, सही बात है भाई। So good, सुन मेरी बात बेटा बोलना, जो कुछ शक्ल पे ही बोलने तो रख ले होट चुप, from the rap legendary for the first day, दे दो मेडिकेट अप्लाई करो थोड़ा first aid, birthday is with the worst day, मास क्यों लगाया है भाई, party on a Thursday, मेरा नाम सुने मिले तू जहाँ भी जा, मेरा आप का हिसाब जैसे माफिया, वे ऐसे तबान लगू मैं शराबी ये हरामिया, के नाचे दरबार में जैसे पाकिजा, जाती क्या गुड़गामा मेरा शहर है, छोरा गोरा पर लाइफ अनफेयर है, अभी भी नरम इन्होंने करे ना करम, एक बार चके कलम तो सारे चिकनी जहर है, चली चली इनकी चली चली, बातें हो रही मेरी गली गली, कर रहे थे बातें ये बड़ी बड़ी, फिर सड़ी सड़ी जब बली चढ़ी, चली पड़ी कलाकारी में दम था, कृष्णा है लेखक एक अलग किस्म का, किया है बॉडी में जिक्र जिस्म का, जो है ये साल वो मेरा विजन था, ग्रेव करी डिग लगू अंडरटेकर, बन तू फेकर राजा भाई, बन तू लेकर सन तू हेटर, बन तू चेप और बन तू देख, जब आऊं तेरे कैदान में बम्बू लेकर, यू कैन नॉट राइम लाइक मी ब्रो, बम्बू लेकर गैंग लाइक टी ब्रो, दीस बिचेस बी स्निचिंग नेवर बी स्टिकिंग टू द टी ब्रो। भाई कृष्णा का ना फ्लो अलग ही है भाई, मैं एक्चुअली मैंने नहीं सुना हुआ है कृष्णा का कोई भी गाना, बट ये फ्लो पूरा अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। स्टे होम स्टे सेफ शुरू हो गया। सो गाइस, आई एम नॉट श्योर कि बीफ अच्छी है कि नहीं, बट वन थिंग आई कैन से कि बीफ हर किसी को पसंद आती है। हिप हॉप में जब भी बीफ होती है, जब भी डिस निकलते हैं एक दूसरे पे, उस चीज़ को देख के सबको मजा आता है, मुझे भी मजा आया। तो एक दूसरे पे जो गाने हैं वो बहुत सही है। अभी देखो, किसी को पब्लिकली अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आप एमवीए जो है लाइव स्ट्रीम करके बोलता है, कृष्णा लाइव स्ट्रीम करके बोल रहा है, डिवाइन लाइव स्ट्रीम करके बोल रहा है, वो ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सच में इनके बीच में कुछ तनाव सा सिचुएशन है। बट अगर आप डिस करते हो ना, वही चीज़ अपने म्यूजिक के माध्यम से बोलते हो ना, डिस करके बोलते हो, तो भले ही आप सच बोल रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो सच ही होता है ऑफकोर्स, बट लोग उतना ज़्यादा ना ऑफेंड नहीं होते, बिकॉज वो बीफ होता है, उससे लोगों को मज़ा आता है, ये पूरा हिप हॉप का सीन होता है, तो उससे करते हैं ना। तो कृष्णा ने जो म्यूज़िक के थ्रू कहा, दैट वाज ऑसम, बट हाँ यार लाइव स्ट्रीम करके उसको थोड़ा सा पर्सनल बना दे, बट या वो भी बात है कि हमारे इंडिया में जो है लोगों को चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, वरना लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो आई डोंट नो कि कहाँ जाने वाला है, लेट्स होप कि सब कुछ सही हो जाए, बट स्टिल अगर गाने आते हैं डिस सुनने को मिलते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। सो यार डिस आते रहे पता नहीं, इट्स नॉट गुड आई नो, बट मज़ा आता है यार डिस सुनने में, ऑफकोर्स लेट्स एक्सेप्ट इट ना यार, मैं कह रहा हूँ तो मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता होगा। अब बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपने नहीं किया हो, और साथ में बेल आइकन भी दबाना, सो दैट यू गेट नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।